प्राइमेट जैसे कि ट्रांसजेनिक मंकी तो इन सब को हम यूज़ करते हैं फॉर दी वैक्सीन सेफ्टी कि जब भी कोई नई वैक्सीन बनती है उसके लिए इवन फॉर द ड्रग सेफ्टी और उसके साथ साथ इवन कोई भी नई कॉस्मेटिक का भी जब प्रोडक्शन होता है तो इनकी भी ह्यूम्स पर सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए जो प्राइमरी एक्सपेरिमेंट्स है वो हम प्राइमेट एनिमल्स पर ही करते हैं So, पहला ऑप्शन सही है दूसरा है कि जो रोजी का मिल्क था, इट कंटेन्ड ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन तो ये गलत है तो इसमें इस मिल्क इस में ह्यूमन इंसुलिन नहीं था बल्कि जो जीन था दैट वॉज फॉर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, इस प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा थी ना कि ह्यूमन इंसुलिन की तो ये स्टेटमेंट गलत है देन सी ट्रांसजेंडिक काउ प्रोड्यूस मिल्क विद लेस फैट तो ये भी सही है कि इनमें ऑटोमेटिकली जो फैट का परसेंटेज है ट्रांसजेनिक काउ में वो अपने आप -अप नीचे की तरफ चला जाता है ऑप्शन फोर वी हैव एज ट्रांसजेनिक शीप दे ग्रो मोर वूल तो इसमें जो वूल प्रोडक्शन के लिए जीन होगा हम उसका कॉपी नंबर इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से जब इसका बेसिकली रेप्लीकेशन होगा तो रेप्लीकेशन के दौरान ज्यादा बार होगा ऐसे ही जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो ज्यादा एम की फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से प्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी एंड इस इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन का एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज फिनोटेपिक इफेक्ट होगा एंड शेप के केस में ये फिनोटैपिक इफेक्ट है इंक्रीज अमाउंट ऑफ वोल तो केवल जो गलत स्टेटमेंट है एंड दैट इज ऑप्शन टू क्लास एक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ सौ पर